फ्रेंड्स, आज हम करने जा रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो बेस है इस पूरे चैप्टर का। अगर आपको ये क्वेश्चन आ जाता है, समझ लो ये चैप्टर सेकंड पॉलिनोमियल वाला 10th क्लास का क्लियर है। अगर नहीं क्लियर तो देखिए इसको कैसे करना है। ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट समझिए क्या है। पहले स्टेटमेंट है, obtain all zeros of ax की पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 इफ टू ऑफ इट्स जीरोज आर अंडर रूट 5/3 माइनस अंडर रूट 5/3। अब स्टूडेंट पावर 4 है, देखिए ये पावर 4 है, इसका मतलब 2 जीरोज हमारे पास दे रखी हैं, बाकी कितनी जीरो और आएंगी, 2 जीरोज और आपने पता करनी है। तो उसका तरीका क्या है, जो जीरो दे रखी हैं उससे एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना लीजिए और उसके बाद डिवाइड करते हैं। अब कैसे करते हैं, स्टार्टिंग हम करेंगे, ये अल्फा है ये बीटा है, तो उसका बनाने का फार्मूला सबसे पहले ये होता है, इसको लगा लीजिए। अब अल्फा के स्थान पे मैंने अंडर 5/3 लगा दिया और बीटा के स्थान पे -5/3। अब ये प्लस हो जाएगा माइनस वाला, इनको प्लस करकर एक्स प्लस अंडर 5/3। अब हमारा एक फॉर्मूला होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी, स्टूडेंट्स इसको लगाने जा रहे हैं, तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ए के स्थान पे एक्स है, बी के स्थान पे अंडर 5/3, तो ये क्या बन जाएगा, एक्स का स्क्वायर और अंडर 3/5 का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर ने स्क्वायर रूट को खत्म कर देना है। तो ये स्टूडेंट्स अपने पास आ गया इस प्रकार से। अब पहला स्टेप यहाँ पे पूरा होता है, और साथ में बने रहिएगा, थोड़ा कष्ट कीजिए कि पूरी वीडियो को देखिए, आपको हो नहीं सकता अभी क्वेश्चन समझ ना आए। अब इसके बाद का स्टेप क्या है उसको समझना है, जो ये आया है इसको ओरिजिनल वाली इक्वेशन जो है उससे डिवाइड करते हैं। अब देखिए क्या होने जा रहा है, जो इक्वेशन है उसको लिख लीजिए, 6x की पावर क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5, ये इक्वेशन है। अब स्टूडेंट हमने ये लेके आना है, अब कैसे आएगा, स्टेप नंबर 1 नोट कीजिए, स्टेप 1 इसमें क्या है, जो वैल्यू है और उसको इसकी पहली वैल्यू को इसकी पहली वैल्यू से डिवाइड करते हैं। पावर 4 है, 2 से कट गई, पावर 2 रह गया, कितना आएगा, 3x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर ले, किसको, अब जो है उसको ही करते हैं, जो डिवाइजर है डिवाइजर को करते हैं मल्टीप्लाई, तो हमारे पास ये आ गया पावर 4, 2 जमा 2 4, ये 5/3, और साथ में है देखिए 3 साथ में लगाना है, 3 लगाना है तो 3 से मल्टीप्लाई 3 हो गया। अब ये 3x की पावर 2 है, ये कैंसिल हो गए, तो 3x की पावर 4 माइनस 5x स्क्वायर यहां लगा दें आप। अब स्टूडेंट इसके नीचे देखिए, अब थोड़ा कोशिश करें इसके नीचे लगाएंगे, स्क्वायर के नीचे स्क्वायर लगाएं, बस ये ध्यान रखना इसमें आप निशान चेंज कर देने हैं, प्लस है तो माइनस लगा देंगे, यहां माइनस का प्लस, ये सेम, ये प्लस ये माइनस कैंसिल हो गए। अब नीचे एक्स की पावर 3 रह गया और ये प्लस के 5 है, ये 2 माइनस के, तो 3 एक्स की पावर 2 10x एज इट इज, और ये पहला स्टेप हमने किया था। अभी हम इसके साथ अभी इसी को देखिए कैसे करना, नेक्स्ट स्टेप भी मैं यही करूंगा। पहला स्टेप था जो 6x की पावर 3 है इसको डिवाइड इसके पहले से करना है, एक्स की पावर 2 से, ये कैंसिल होने के बाद एक्स आ गया, ओनली एक्स, तो ओनली एक्स आया तो 6x रह गया हमारे पास, 6x से हमने मल्टीप्लाई करना है, किसको, जो जो डिवाइजर है जो डिवाइड कर रहा है उससे मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स, तो
तो हमारे पास आ गया 6x को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया 6x की पावर 3 6x मल्टीप्लाई 5/3 ये कट जाएंगे 6x की पावर 3 माइनस 10x तो हमने यहां लिख लिया 6x की पावर 3 माइनस 10x x के नीचे x लिखा पावर जैसी है वैसे उसके नीचे लिखना है अब ये देखो प्लस है तो माइनस बना दी ये प्लस तो ये सेम देखिए ये प्लस वाला ये माइनस वाला कैंसिल हो गया ये माइनस वाला ये प्लस वाला कैंसिल हो गया 3x स्क्वायर माइनस 5 अब मैंने क्या करना है एक और स्टेप लगाना है अब इसको साफ कर दीजिए अब एक और स्टेप रह गया जो पहला नंबर है इसको ऊपर देखिए यहां है और इसका पहला ये है एक्स के डिवाइड किया तो आ गया 3 तो 3 से मल्टीप्लाई किसको करना है सभी को एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 को स्टूडेंट मल्टीप्लाई कर ले मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा 3x स्क्वायर 3 मल्टीप्लाई 5/3 कैंसिल करके 3x स्क्वायर माइनस 5 तो स्टूडेंट ये माइनस प्लस का माइनस लगा दिया ये कैंसिल हो जाते सेम कैंसिल हो गए अब हमारे पास एक काम कीजिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकॉन को दबा दें जो भी अपडेट मटेरियल आएगा तुरंत आपके पहुंचेगा और उसको रिवाइज करें साथ में दूसरे बच्चों को बांटें तो ये था हमारा डिवीजन उसके बाद रह गया बस थोड़ा सा काम कि अदर जीरोस क्या होंगी अब नीचे रिमाइंडर जीरो आ रहा है ऊपर क्वोशेंट जो आ रहा है उसको जीरो से इक्वेट करो और कुछ नहीं करना है बस क्वोशेंट को आपने जीरो से इक्वेट करने जा रहे हैं क्या है 3x स्क्वायर माइनस प्लस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 अदर जीरोस पता करनी है पहले जीरो से इक्वेट कर रहे हैं 3 से डिवाइड हो रहे हैं 3 से डिवाइड कर दें सभी हो रहे हैं तो ये x स्क्वायर रह गया 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 अब स्टूडेंट इसको x प्लस x में तोड़े क्या होता है पहले और लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई किया तो ओनली x स्क्वायर आ गया बीच वाले को 2x को इस प्रकार से तोड़ेंगे कि प्लस करने पर 2x आए मल्टीप्लाई करने पर वही x स्क्वायर आए वो झमेला नहीं है आसान सा काम है इसको ऐसे ही करना है इसको दोनों को मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर बीच वाले को तोड़ा प्लस करने पर 2x मल्टीप्लाई करने पर x स्क्वायर ये आ गया अब यहां पे x चीज कॉमन आ रही है जो बाहर निकाल लें इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है मतलब 1 लिख लें स्टूडेंट इसको कॉमन को बाहर निकाल लें x प्लस 1 को रह गया अंदर x प्लस 1 और ये 0 अब पहले को 0 से इक्वेट करें इसको भी 0 से इक्वेट करें ये उधर जाके माइनस 1 और ये भी माइनस 1 सो द अदर जीरोज आर माइनस 1 एंड माइनस 1 मतलब वो जिसको वैल्यू पुट करने में 0 आ जाए अब मैं आपको एक बार रिवीजन कर दूं इसकी तो रिवाइज करना है ध्यान से क्या करना है स्टेटमेंट दे रखा है ऑब्टेन ऑल जीरोज ऑफ x 3x की पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 व्हेन टू जीरोज आर गिवन दो जीरोज अपने पास दे रखी हैं इससे इक्वेशन बनेगी x माइनस अल्फा x माइनस बीटा से अल्फा पुट किया बीटा पुट किया माइनस माइनस प्लस हो गया a प्लस b का फार्मूला लगा a प्लस b a माइनस b a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर a मींस x b मींस अंडर 5/3 इसका स्क्वायर किया 5/2 3 आ गया इसका x स्क्वायर हो गया अब जो आया है इसको गिवन वाली इक्वेशन से डिवाइड करते हैं डिवाइड करने का रूल क्या है इसको इससे डिवाइड किया 3x स्क्वायर आया 3x स्क्वायर से पूरी को मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास आ गया 3x की पावर 4 माइनस 5x स्क्वायर अब इसके जो कटते हैं काट दिया इसके नीचे देखो नहीं लिखना स्क्वायर के नीचे स्क्वायर लिखना है तो ये एज इट इज रख दिया माइनस 2 प्लस 5 3 और ये माइनस 5x माइनस 5 10x माइनस 5 अब आपने देखा अब अपने पास पहला नंबर ये है इसको जब इससे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आता है ओनली x 6x आया 6x से इसको मल्टीप्लाई किया 6x की पावर 4 माइनस 10x आ जाएगा कैसे आएगा 6 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये करके दिखाते हैं एक बार फिर कई बार स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है x स्क्वायर को पहले मैंने
6x से मल्टीप्लाई किया, फिर 6x को वैसे करके दिखाया था, फिर भी इसको कर देते हैं, ये 6x पावर 3 आ गया, ये 10x आ गया, इसको नीचे लिख दिया। अब ये कटिंग होती है सेम कट गए, ये माइनस है ये प्लस है, ये देखिए प्लस वाला है ये माइनस वाला, नीचे वाले का निशान उल्टा हमें कंसिडर करना है, प्लस से तो माइनस कंसिडर करें, माइनस टू प्लस, ये कैंसिल हो गए सेम, यहाँ पे 3x² - 5। अब यहाँ पे देखिए ये स्टेप लिखा हुआ है, 3x² को x² से डिवाइड किया ओनली 3, 3 से मल्टीप्लाई किया इसको तो 3x², ये 3 कैंसिल हो जाएंगे -5, इसके नीचे लिख दिया ये प्लस माइनस हो गया, ये माइनस है प्लस लिखेंगे सेम कैंसिल हो गया, तो ये आ गया। इसको 0 से ऐड करेंगे, 3 से डिवाइड कर लो क्योंकि 3 के टेबल सभी जाते हैं डिवाइड करने का हमारे पास दिया, इसको और इसको मल्टीप्लाई किया x², बीच वाले को इस प्रकार से जोड़े कि दोनों को प्लस करने पर 2x आए, मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास x², यही हमने किया, देखिए मल्टीप्लाई किया x², प्लस करने पर x प्लस x को 2x, मल्टीप्लाई करने पर x², तो ये कॉमन x आया दोनों में, इसमें से कॉमन निकला तो x रह गया, इसमें से निकला तो 1 रह गया, इसमें कुछ भी नहीं है मतलब 1 लिख लो, x प्लस 1 सेम है, सेम चीज दोनों कॉमन निकली, इसको 0 से इक्वेट करा दिया, तो पहले को 0 से इक्वेट कराया इसको उधर ले जाएंगे, 1 को प्लस वाला उधर जाके माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा ये माइनस, ये आ गई हमारी अदर जीरो। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू।